हाय, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टाइप से सैलरी अपन को मिलती है एआई में। एक सैलरी स्लिप जो किसी ने शेयर की है कोरा पे, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूँ। ऑल दो आप देख सकते हो जाके वो सैलरी स्लिप, पर मैं एक बार कंपोनेंट सब अगर बता दूंगा तो आप क्लियर हो जाएंगे उससे। तो जो भी जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं या फ्यूचर में जो भी ज्वाइन करेंगे, उनकी ऐसी टाइप की पे स्लिप रहेगी, और उससे आप आइडिया लगा लीजिएगा कि कितना मिलेगा इन एंड। ठीक है, तो स्क्रीन पे जाता हूँ मैं। पहली जो पॉइंट है मैं बोलूँगा इधर, वो है अगस्त 2022 की सैलरी स्लिप है, जस्ट पिछले साल की है। और यहाँ पर देखोगे आप, बेसिक पे जो है वो 40,000 है। तो 40,000 मतलब इसको एक साल भी नहीं हुआ है इनको काम करते हुए, क्योंकि एक भी इंक्रीमेंट नहीं लगी है अभी तक। ग्रेड जो देख रहे हैं आप, बी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है पोजीशन। सदर्न रीजन में पोस्टेड है ये, सदर्न रीजन में कोई सी एक सिटी है वहाँ पर पोस्टेड है, वो नहीं लिखा है। यहाँ पर देख सकते हो आप, इवन ग्रेड पे है, पे स्केल पे है, 40,000 से लेके 1,40,000 पे। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे तो लेफ्ट साइड में देख रहे हो कि आप अर्निंग्स लिखा हुआ है अमाउंट, तो बेसिक पे यहाँ लिखी हुई है 40,000, और इसी से ही डीए बनेगा, एचआरए बनेगा, पर्क्स बनेंगे। तो बेसिक पे देख रहे हो 40,000 और डीए देख रहे हो आप 13,000। 13,000 इसलिए क्योंकि अगस्त में अराउंड 32% था डीए, 32 पॉइंट समथिंग। सो 32% निकालोगे अगर आप 40,000 का, तो 13,000 निकल के आएगा। वैसे ही एचआरए देख लो, एचआरए लिखा हुआ है 7,200 रुपीज़। 7,200 मतलब वाई क्लास सिटी में है ये। उस समय 18% था, अभी भी 18% है शायद वाई क्लास सिटी का। तो वो 18% ऑफ 40,000 निकालोगे आप, तो 7,200 निकलेगा क्या। उसके बाद पर्क्स लिखा हुआ है जो कि 35% होता है बाय डिफ़ॉल्ट। 35% ऑफ 40,000 करोगे आप, तो 14,000 निकल के आएगा। तो ये चार कंपोनेंट हो गए आपके, ये टोटल सम करेंगे आप तो दिख रहा है आपको 74,200। तो ये इनकी अर्निंग हुई टोटल। अब डिडक्शंस पे आते हैं। डिडक्शन पे दो मेजर कंपोनेंट है, एक तो इनकम टैक्स का और दूसरा है पीएफ का। ये जो ईईपीएफ कंट्रीब्यूशन लिखा है वो एम्प्लॉय, डबल ई मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ठीक है, 6,360 है। ये अमाउंट कैसे आता है, 12% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक कितना है यहाँ दिख रहा है 40,000, और डीए जी दिख रहा है 13,000। दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा, 53,000। इसका 12% निकालोगे तो 6,360 आएगा। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स है, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया, पर प्रोफेशनल टैक्स का मेरे को इतना पता है कि इनकम टैक्स में जब आईटीआर फाइल करते हैं हम, तो इस पे रिबेट मिल जाती है। तो हर महीने अगर कट रहा है तो साल का पूरा जितना भी अमाउंट बनेगा वो माइनस हो जाएगा। वो बताऊंगा अभी, है ना, नीचे मैं इसके बाद बताता हूँ। इसके अलावा इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स भी कैसे कटता है वो भी बताता हूँ मैं। उसका कैलकुलेशन नीचे लिखा हुआ है सैलरी स्लिप में। फिर जीआईएनपी कंट्रीब्यूशन है, ये सिर्फ छोटे मोटे डिडक्शन है। जीआईएनपी जितना मुझे पता है, इसका फुल फॉर्म याद नहीं है मुझे, पर ये रिलेटेड है हेल्थ वाले से। अगर आपको ड्यूटी के टाइम पर कुछ होता है तो आपके परिवार वालों को कुछ मिलता है, उससे रिलेटेड है। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता इसका। बी फंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं पता है मुझे। इसके अलावा डिडक्शंस वगैरह जो होते हैं वो एक्स्ट्रा है, बाद में बताऊंगा, वो अभी ज़रूरी नहीं है बताना। तो टोटल अगर अपन काउंट करेंगे तो 11,459 बनता है ये टोटल सम। तो ये हुई टोटल अर्निंग, ये हुई आपके डिडक्शंस, दोनों को माइनस करेंगे तो बचा जितना अमाउंट वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये इन हैंड सैलरी आपकी। यहाँ पर भी देख लीजिए, वही प्रोविडेंट फंड का लिखा हुआ है 6,360, सेम अमाउंट प्रोविडेंट फंड में डाला गया है। फिर और कोई पेंशन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एनपीएस वगैरह, ये सब तो यहाँ पर लिखा जाता है और यहाँ पर भी लिखा जाता है। यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोग, ग्रॉस सैलरी इनकम टैक्स कैलकुलेशन जो प्रोविजनल लिखा हुआ है वो है। अभी यहाँ ग्रॉस सैलरी का मतलब जो ये 895,735 लिखा हुआ है ना, उसका मतलब ये है कि जो आपके नाम पे बिल फट रहा है वाला बताया मैं, जो हर महीने ये जो टोटल अर्निंग है ना आपकी, वो पूरे साल की आप काउंट करिए वो इतना आएगा। अभी 74 अराउंड इसको कैलकुलेट करते हो, अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8,90,000 के अराउंड आएगा। और बाकी का बचा 4,000-5,000, वो आपकी अर्निंग में कैसे आएगा, नाइट ड्यूटी का, अगर नाइट ड्यूटी भाई ने की होगी बहुत सारी तो उसके अमाउंट भी आपके अर्निंग में होते हैं। और नेशनल हॉलीडेज़ जैसे कि 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी, इस दिन ड्यूटी करते हैं तो भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं, और वो भी आपके अर्निंग में ही काउंट होंगे। तो
तो वो सारे एक्स्ट्रा अर्निंग्स है, और आउट ऑफ पॉकेट कंपनसेशन अलाउंस जो है वो तो बताया ही था मैं आपको पिछले वीडियो में, तो ये सब भी अर्निंग के पार्ट में आ जाते हैं, और इस वजह से ग्रॉस सैलरी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, अब इसके बाद लिखा हुआ है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, यहाँ पर देख रहे हो, वो मतलब आपको पर्क्स में रिबेट मिल रही है। पर्क्स में मैं जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ पर्क्स ऐसे होते हैं, 5-10 पर्क्स होते हैं जो आप डिफाइन करते हो, उनमें कुछ पर्क्स ऐसे होते हैं जिसपे आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं, जैसे व्हीकल अलाउंस वगैरह हो गया, तो हर महीने जो व्हीकल अलाउंस पे जितने परसेंट आप ले रहे हैं बेसिक का, वो हर महीने काउंट होकर टोटल साल का जो बनेगा वो माइनस होता है। तो बहुत सारे पर्क्स के रिबेट इनको मिल रहे हैं, देख रहे हो आप 92,000 अराउंड लिखा हुआ है, तो ये माइनस कर दो ग्रॉस सैलरी में, तो बचा बैलेंस कितना 803,152 यहाँ लिखा हुआ है। अभी इसके बाद जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम होती थी उसमें 50,000 अपन सीधा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम फॉर नो रीज़न एवी माइनस हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप 52,000 है, तो जो बाकी बचा 2,200 है वो ये प्रोफेशनल टैक्स से आता है ना, जो मैं बताया माइनस हो जाता है उसकी वजह से। तो अभी इस अमाउंट को माइनस करोगे 52,265 को किस में से, 803,152 में, तो बचा हुआ अमाउंट कितना आएगा 750,887। अभी ये हुई इनकम अंडर हेड सैलरी, इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अगर आपकी, तो वो यहाँ पर ऐड होगी, इनकी नहीं है, ज़ीरो है, तो 7 लैक्स जो ये लिखा हुआ है प्लस करेंगे ज़ीरो तो उतनी ही आएगी, है ना, तो ये ग्रॉस टोटल इनकम हो गई। ग्रॉस सैलरी से अपन ग्रॉस टोटल इनकम तक पहुँच गए। फिर उसके पास डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 लिखा हुआ है, 6A, मतलब ये वो जो 1.5 लाख की सेविंग करते हैं उसके ओल्ड टैक्स रिजीम में, वो वाला एरिया ही है। पॉलिसी वगैरह लेते हैं कुछ लोग, कहीं कहीं लगाते हैं, NPS वगैरह में भी लगाते रहते हैं, तो टोटल मैक्सिमम 1.5 लाख तक ले सकते हैं, तो अब ये भाई ने 1,36,000 तक कर रखी है ना, 1.5 लाख तक नहीं पहुँचे, तो ये 1,36,000 भी माइनस हो जाएंगे 7,50,000 में से, तो बचा हुआ अमाउंट कितना हुआ 613,900। तो ये जो अमाउंट आया वो उस पर टैक्स लगेगा, ये आपकी टैक्सेबल इनकम है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो अब इस पर क्या करेंगे, टैक्स का स्लैब निकालेंगे। अभी 6,13,900 लिखा है ना, तो इसमें से 0 से 2.5 लाख तक कुछ नहीं होता था, 2022 का है ना ये अगस्त, तो पुराने ओल्ड टैक्स रिजीम पे है ये, है ना, तो 0 से 2.5 लाख तक कुछ नहीं रहता था, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% था, है ना, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, मतलब डिफरेंस अमाउंट 5 लाख माइनस 2.5 लाख करोगे तो कितना बना, 2.5 लाख बना, तो 2.5 लाख का 5% कितना आएगा 12,500, ये फिक्स रहता था, तो 12,500 टैक्स उतने अमाउंट पे लगेगा, 0 से 2.5 लाख तक कुछ नहीं लगेगा, फिर जो 5 लाख के बाद आएगा, 5 लाख के बाद डिफरेंस अमाउंट कितना बचा, 6,13,900 है, तो 1,13,900 बचा, अब उस पर कितना 20% था शायद, तो 20% टैक्स लगेगा, तो 20% अराउंड उस पर लगा, तो अराउंड 22,000 के आसपास आएगा, और 12,500 वो मिला लो, उधर से ज़ीरो मिला लो 2.5 लाख, 0 से 2.5 लाख, तो टोटल बन के आएगी आपकी 35,280। फिर उसके बाद जो ये टैक्स अमाउंट निकला 35,000, इस पर अब सेस लगेगा, सरकार हर किसी से लेती है 4% ऑफ टैक्सेबल अमाउंट हेल्थ और एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर इसको आप मतलब वो नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि ये टैक्स कटेगा ही कटेगा, तो यहाँ जो अमाउंट देख रहे हैं 4% ऑफ दिस 35,280, तो वो 4% कुछ 1,100 निकल के आएगा, वो ऐड कर दीजिए आप 35,000 में, तो 36,692 ये आपको पूरे साल में टैक्स देना है। ठीक है, इसको इनको देना है मतलब। अभी सेक्शन अंडर रिलीफ 89 के अंदर कुछ फैमिली पेंशन से रिलेटेड होता है, उस पर भी रिलीफ ले सकते हैं, इन्होंने नहीं लिया है। फिर उसके बाद जो टैक्स डिडक्टेड अप टू प्रीवियस मंथ, ये बता रहा है, मतलब अभी तक के इस साल में 2022 में जब ये सैलरी स्लिप देख रहे हैं, अगस्त तक उनका कितना टैक्स कट चुका है वो है 8,723। करंट मंथ में, अगस्त के मंथ में कितना कटा है 3,496, यहाँ पर लिखा हुआ है 3,496 इनकम टैक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है नेट टैक्स पेबल पर मंथ 7 मंथ्स के लिए, मतलब अगले आने वाले जो 7 मंथ हैं उसमें नेट नेट कितना टैक्स कटेगा पर मंथ 3,496। ठीक है, 7 मंथ ही क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू वो अप्रैल चलता है मार्च, वो तो अभी अगस्त में है तो मार्च तक के पूरा बता रहे हैं वो, है ना। फिर यहाँ नीचे लिखा है टैक्स ऑप्टेड इज ओल्ड रिजीम,
सो ऐसे करके आपका डिडक्शंस, अर्निंग, ये सब होती है और क्या टैक्स का कैलकुलेशन होता है। इसमें एक कैच बता देता हूँ आप लोगों को कि एचआरए जो होता है ना, वो मतलब आपका नहीं मिलेगा मोस्ट केसेस में आपको, क्योंकि आप या तो क्वार्टर लेंगे या तो कहीं घर लेके रहेंगे, है ना। तो उसमें जाना ही जाना है ये पैसे। क्वार्टर में ऐसा है कि पूरा एचआरए चले जाएगा, और अगर घर ढूंढ के रह रहे हो, अगर कम में इससे मिल गया आपको अच्छा घर तो बचा लोगे, नहीं तो नहीं बचा पाओगे पैसे, है ना। ऐसे देख सकते हो। ये फ़ायदेमंद एचआरए तब है ना जब आप अपने ही घर में पोस्टेड है। मान लीजिए मुंबई में घर है आपका और वहीं पोस्टेड हैं, और फिर तो पूरा घर भी वहीं है और एचआरए भी पूरा बचा ले जाएंगे, तो उसके इसमें फ़ायदा होता ही है। इसके अलावा कुछ भाई ने और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ देखोगे आप 12% जो लिखा हुआ है ये मैं बता रहा था। तो 12% क्या होता है ना, आप 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए देते हैं ईपीएफ में, डबल ईपीएफ में, और सरकार भी उतना ही पैसे दे रही है। मतलब 6,000 जो मैं बताया ना, उतना ही सरकार भी डालेगी, अराउंड 12,000 आपकी झोली में आ गया है समझ लीजिए उस मंथ में। वैसे ही हर मंथ होते जाएगा, पूरे साल होते जाएंगे जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं आ जाता। रिटायरमेंट जैसे ही आएगा उसमें आपको कुछ लमसम इंटरेस्ट लगेगा और वो पैसे वापस मिल जाएंगे। तो वही लिखा है इन्होंने यहाँ कि 12% एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ योर बेसिक इन योर ईपीएफ अमाउंट एआई दैट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और अपार्ट फ्रॉम योर 12% कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट इज़ कॉल्ड ईपीएफ वही है ना जो मैं बताया। इसके अलावा यूनिफॉर्म मिलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मंथली सैलरी के अलावा यूनिफॉर्म भी मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म का कपड़ा दे दिया जाता है और टीचिंग के पैसे दे दिए जाते हैं आपको, अपना आप सिलवा लो। यहाँ पर भाई ने 4 सेट पैंट क्लोथ्स और शर्ट क्लोथ सूट वगैरह लिखा है। लेडीज़ लोग के लिए साड़ी वगैरह या कुर्ता पजामा, वो क्या बोलते हैं उसको, सलवार सूट वगैरह के लिए मिल जाता है ना। फिर मेडिकल अलाउंस के बारे में लिखा है, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, स्कीम है, स्कीम वीक के बारे में आप कुछ लमसम अमाउंट आप हर क्वार्टरली बेसिस पे ले सकते हैं। इसके अलावा शू अलाउंसेस है जो सही है, 4,800 मिलता है हर साल के लिए, लेकिन पर ईयर है वो, ठीक है, हर साल मैं भी क्लेम कर चुका हूँ। और मोबाइल अलाउंस जिसे ये वीडियो शूट हो रहा है इस पर 5,000 का रिइम्बर्समेंट मिला था, ये 3 साल के लिए रहता है, 3 साल में एक बार मिलता है। इसके अलावा ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस या फिर बैग का अलाउंस ले सकते हैं आप 3,500 तक के, वो भी हर 3 साल में होता है। ये भी, ये जो बैग रखे हुए हैं मेरे पास, जो बड़े बड़े बैग है, छोड़ो क्या दिखाऊँ, उसके भी रिइम्बर्समेंट ले चुका हूँ मैं। इसके अलावा देख रहे हो आप ग्रेजुएटी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, वो बाद में बता दूंगा। इसके अलावा इन्होंने लिखा है यू एंड योर डिपेंडेंट्स विल गेट वर्ल्ड क्लास मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सही है। एआई जिससे टाई अप है जिन हॉस्पिटल से, वहाँ पर आपके और आपके डिपेंडेंट्स को अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाती है ना, बशर्ते आपको एडमिट होना पड़ेगा, एडमिट होने की कंडीशन बन रही है तब। तो यही है, बाय द वे एक और चीज़, हाँ एचआरए का इसमें देखिए, जैसे वाई क्लास सिटी पे, एक्स क्लास सिटी पे और ज़्यादा होगी थोड़ी सी सैलरी, दो 1-2 हज़ार, 2-3 हज़ार ज़्यादा ही मान लो, और जेड क्लास में इससे कम होगी, ये भी आप देख सकते हो। तो यही था, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का ये सैलरी होता है, स्ट्रक्चर होता है ऐसा। होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा इनकी सैलरी स्लिप देख के, और जो भी अगर किसी और प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा, और होपफुली आप लोगों को आइडिया क्लियर, क्लैरिटी आई होगी थोड़ी, है ना। तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।